हेलो जी, नमस्कार। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं यहाँ पे लहसुन काट रही हूँ, प्याज लहसुन तड़का तैयार कर रही हूँ, दाल रखी है बनने के लिए। और अभी आई हूँ मैं घर से, इस टाइम 6:30 होने वाले हैं शाम के, तो मैं अभी आई हूँ। नीचे घर पर ही थी जहाँ पर मम्मी पापा जी हैं, तो पूरा दिन वहीं पर थी। सुबह ही चली गई थी और अभी आई हूँ वहीं पे। मैंने सर वगैरह भी धोया है, तेल वगैरह भी वहीं पे ही लगवाया है। तो मेघा ने ही लगा दिया था तेल वगैरह, जो मेरी देवरानी की बेटी है। और आजकल जैसे तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो फिर थोड़ा मन भी ऐसा ही रहता है। तो घर के सुबह के जो काम थे वो निपटाने के बाद ही मैं चली गई थी, क्योंकि दुकान पर यही थे। शादियों का सीज़न था तो फिर दुकान पर काम भी था। 4-5 दिन से मैं मम्मी पापा को मिली भी नहीं थी। देवरानी तो मिल गई थी, वो तो कल भी आए थे, क्योंकि वो तो ज़्यादातर एक दिन छोड़कर आ ही जाती है जब से तबीयत में ठीक नहीं है। और क्या हुआ है मुझे, मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर करनी है बात, क्योंकि काफ़ी तो मैसेज वगैरह करके पूछते हैं, तो पता तो मुझे भी नहीं है कि क्या हुआ है। लेकिन हाँ, मेरे सर में दर्द है, सर में, और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दुकान पर आया हो। तो कोई नहीं है, सड़क की आवाज़ ऐसी आती है ना, सड़क में कोई जाता हो तो ये लगता है कि भाई अंदर ही आ गया कोई। तो मेरे सर की वजह से शायद आँख में दर्द है, एक ही आँख में दर्द है, ये जो खब्बी आँख है इसमें, और इसी में इतनी तेज़ दर्द उठती है ना कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, काम वगैरह कुछ भी नहीं हो पाता मुझसे। तो हम PGI गए थे, एमरजेंसी में भी गए थे, तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाया और फिर उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी हैं, टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है, और ज़्यादा शोर हो जहाँ पे वहाँ पे भी नहीं जाना है। तो शायद इसी कारण मेरे तेज़ दर्द हुआ है, क्योंकि पिछली बार जब हम शादी में गए थे तो वहाँ पर होता ही है, शादी में तो देखो शोर तो होता ही है, तो उसी की वजह से शायद मेरे ज़्यादा दर्द हुई होगी। तो क्या कर सकते हैं, तो डॉक्टर भी मना करते हैं कि ऐसी जगह पर ना जाओ, तो कहाँ कहाँ ना जाएं, क्योंकि जहाँ जाना है वहाँ जाना ज़रूरी होता है। सामने वाले को थोड़ी पता है कि भी इसे दिक्कत है। तो फिलहाल तो दाल रखी है जी बनने के लिए, और मैंने यहाँ पे प्याज काट दिए हैं, लहसुन काट रही हूँ। और शादी वाली जो व्लॉग थे, जो शादी वाली जो वीडियो थी, उसे आपने ढेर सारा प्यार दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन आप कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ जो भी वीडियो देखें वो कमेंट करें। तो जी, फिलहाल अभी हम तड़का वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूध भी लाना है, यही गांव में ही लगवा रखा है हमने दूध। और शाम की जोत बत्ती भी करनी है, और शिवरात्रि है, शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। आज शिवरात्रि है, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन मैंने व्रत नहीं रखा है, क्योंकि मजबूरी है, मन तो करता है रखने का, लेकिन दवाइयाँ वगैरह खाते हैं ना, तो फिर इसी चक्कर में नहीं रख पाई मैं। दवाइयाँ 2-3 टाइम की हैं, तो फिर खाली पेट भी नहीं रहा जाता, और जब मैं दवाई खा भी लेती हूँ ना, तो उससे भूख इतनी तेज़ लगती है ना, तो इसलिए मैंने व्रत रखा ही नहीं। वैसे मैं हर बार रखती हूँ, लेकिन मजबूरी है, शरीर से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो जी, समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूं मैं आप लोगों से। फिलहाल के लिए तो मैं पहले दाल को छौंक लगा लेती हूं, और अभी सर्दियों के कपड़े भी मुझे रखने हैं, क्योंकि ठंड अब कम हो गई है, तो फिर ज़्यादा कपड़े रखने का फ़ायदा भी नहीं है बाहर। तो जो एक एक दो दो स्वेटर बाहर रखूँगी, बाकी सब अंदर रख दूँगी, क्योंकि सर्दियों में ना अलमारी में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रखने की भी जगह नहीं होती। अब गर्मियों के कपड़े निकलेंगे, तो ये हर सीज़न का है, चलता ही रहता है जी। तो दाल रखी थी मैंने बनने के लिए, दाल भी बन गई होगी, गैस करूँगी बंद। पहले तो दूध लाऊँगी, क्योंकि 6:30 बजे ही दूध लेने जाते हैं, या बेटे को बोलूँगी। ठंड कम हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत तेज़ ठंड लगती है, पता नहीं क्या है। मुझे घर पे भी मैं पूरा दिन धूप में ना छत पर लेटी रही, क्या
करें भाई, मुश्किल है, मजबूरी है। तो फिलहाल मैं ना तड़का लगा देती हूँ, पहले तो दूध लेकर आऊँगी, उसके बाद लगाऊँगी दाल को तड़का। तो जी यहाँ पे लाल मिर्च ख़त्म हो चुकी थी, तो कुछ देगी मिर्च ये वाली मंगवाई है, जो कलर वाली लाल मिर्च होती है, और एक पैकेट ये मंगवाया है मिर्च का, तो इसे डिब्बे में डाल लूँगी। और यहाँ पे लहसुन काट करके रख दिया है मैंने, प्याज भी रख दिए हैं, और ये धनिया वगैरह है, थोड़ा सा इसे भी कट करके रखूँगी। मेरा ना कुछ ख़राब हो गया है, इसमें सूखी नहीं लगती। दूध ले आएगा ना? फिर दूध, चलो दूध तो नहीं जाएगा, मैं तब तक अपनी दाल कुछ। तो शाम की पूजा हो चुकी है जी, और उसके बाद हमने लगाया है आटा, और अभी ये काट में है मुझे, क्योंकि मैं पहले जोत बत्ती करने के लिए चली गई थी। और यहाँ पे हमने दाल रखी है, दाल में पानी डाला है, पक तो चुकी है लेकिन पानी डाल दिया है मैंने पहले इसमें, थोड़ा सा खद्दा सा लगेगा ना इसमें, तो उसके बाद तड़का लगाऊंगी। यहाँ पे दूध लाया है बेटा, तो दूध रख दिया है, और तब तक मैं अपने ये काट लेती हूँ जब तक दूध भी गर्म हो जाएगा और दाल भी पक जाएगी, दाल में पानी डाला है ना। तो पहले ये कट कर लेती हूँ। क्या थे? तो जी तेल गर्म हो चुका है, उसमें हमने डाल दिया है जीरा, और साथ में ही डाल दिए लहसुन, और साथ में ही डाल दिए हैं कटे हुए प्याज। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से तड़का लगा रही हूँ। तो प्याज को थोड़ी देर भूनने के लिए रख सकते हैं जी, भूनने देते हैं प्याज को। नमक हल्दी मैंने पहले ही डाल रखी है, तो थोड़ी सी कलर वाली धनिया डाल देती हूँ, धनिया का जो पाउडर होता है वो थोड़ा सा घर में ही बना रखा है मैंने, तो थोड़ी सी लाल मिर्च कलर वाली, लाल मिर्च। तो सिंपल सा तड़का हमारा तैयार है, जो हमारी दाल भी बन चुकी है। तड़का भी हमारा बन चुका है, यहाँ की दाल भी हमारी बन चुकी है। तो भी दाल बन चुकी है, और इसमें हमने डाल दिया है हरा धनिया, तैयार है। हाँ जी, तो रात के 9:30 बज रहे हैं, और खाना पीना सब कुछ हो चुका है, और अभी मैंने ना कंघी नहीं की है, जैसे सर धोया था ना वैसे ही चोटी बना ली थी, बहुत गंदा लग रहा है, और ऐसे ही मैंने पूरी वीडियो बना दी। तो कैसी लगी आज की वीडियो, आज का ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो कमेंट कर दिया करो। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।